नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार आप अपने लैपटॉप पे जूम मीटिंग्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा सबसे पहले डाउनलोड जूम मीटिंग क्लाइंट ऐप। उसको करने के लिए आपको करना है आपका गूगल क्रोम या कोई सा भी दूसरा ब्राउजर ओपन। ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है जूम डाउनलोड। सबसे पहले जो साइट है zoom.us, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है जूम क्लाइंट फॉर मीटिंग्स, तो इसको आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड पर क्लिक करके। यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। इसको आपको कर लेना है शो इन फोल्डर। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये डाउनलोड सेक्शन में ओपन हो जाएगा। इसको डबल क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है, तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑन हो जाएगी और कुछ टाइम के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे ये परमिशन मांग रहा है, इसको परमिशन दे देते हैं यस करके। यहाँ पे ये जूम एप्लीकेशन ओपन हो गई और यहाँ पे बोल रहा है कि ज्वाइन ए मीटिंग और साइन इन। अगर आपको ज्वाइन करना है मीटिंग तो डायरेक्टली इस ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको मीटिंग आईडी और जो पर्सनल लिंक आया है वो आपको मांगा जाएगा। मेरे पास पहले से एक मीटिंग आईडी है तो मैं उसको यहाँ पे यूज ले रहा हूँ। तो मैं ये मीटिंग आईडी यूज में ले रहा हूँ। यहाँ पे इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि सेटिंग्स है कि आपका नाम अगर फ्यूचर के अंदर ये ही रखना है तो आप इसको तो रिमेंबर माई नेम फॉर फ्यूचर मीटिंग्स इसको टिक कर सकते हैं, और अगर नहीं दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो इसको अनटिक रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं रहे तो आप इसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अनटिक रखने दें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वीडियो ऑफ रहे, आप जब ज्वाइन करें मीटिंग को, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों को टिक कर देता हूँ और यहाँ पे नेम सेम रहने देता हूँ जो डिफॉल्ट है वो। आप अपना नाम डाल सकते हैं। इसके बाद में हम करेंगे क्लिक ज्वाइन पे। जैसे हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पासकोड मांगा जाएगा। जो आपको पासकोड मिला है ज्वाइन करने के लिए मीटिंग के, तो हम उसको यूज में ले लेंगे यहाँ पे। मीटिंग का पासकोड मैंने डाल दिया है। उसके बाद में ज्वाइन मीटिंग पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ज्वाइन मीटिंग करेंगे हम पहुंच जाएंगे इस डैशबोर्ड में और यहाँ पे जो भी मीटिंग है आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ से चैट कर सकते हैं, आपका ऑडियो आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन ऑडियो करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो पे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं ऑडियो को, एंड सेम इसी प्रकार आप वीडियो को भी स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप वीडियो कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं इसको ज्वाइन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपके दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। धन्यवाद।